वहीं बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति वर्ग का उतना समर्थन नहीं मिला जिसकी उम्मीद उसको थी। शायद इसीलिए इस वर्ग पर फिर से पकड़ बनाने के लिए पार्टी ने अपने अनुसूचित जाति मोर्चा को सक्रिय कर दिया है। पार्टी की ओर से इस मोर्चे की जिम्मेदारी नवीन मागदेय को दी गई है। नवीन मागदेय ने गुरुवार को विधिवत पदभार ले लिया है। और हमने बाबा गुरु बाबा घासीदास का जो सम्मान कुतुब मीनार से भी ऊंचा जैतखम बनाकर इस प्रदेश में पूरे देश में किया है, आज उनके नाम का जो पुरस्कार है उस पुरस्कार को नहीं देना है। गुरु बाबा घासीदास जी के साथ साथ उनके सब अनुयायियों का अपमान है और इसका निश्चित रूप से इसका बदला हमारे अनुसूचित जाति समाज जो है वो छत्तीसगढ़ में लेगा। संत बाबा गुरु घासीदास जी के जो अपमान हुआ है कि इस राज्य अलंकरण पुरस्कार में उनके नाम से दिए जाने वाले पुरस्कार को नहीं दिया गया है, तो हमने तत्काल इस मुद्दे को उठाए और 2 तारीख को सभी जिला में भूपेश जी के नाम से मांग पत्र सौंपे थे कलेक्टर को कि तत्काल घोषणा करे कि बाबा गुरु घासीदास जी के नाम से अलंकरण पुरस्कार का तत्काल घोषणा करे, लेकिन अभी तक के उनने उस पर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिए हैं और ना ही घोषणा किए हैं। तो हमने उल्लेख किया था कि हम लोग आने वाला समय में क्रमिक उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया गुरुवार को बालोद के डोंडी इलाके का दौरा किया है। यहां के उन गांव में मंत्री पहुंची जहां हाथियों ने आतंक मचाया हुआ है। मंत्री सबसे पहले सबसे ज्यादा हाथी प्रभावित गांव जपक्सा पहुंची। यहां उन्होंने सरकार मुआवजा राशि के अलावा सभी प्रभावित परिवार को 15,000 रुपए देने की भी घोषणा की। चार पांच गांव हैं जो अभी हाथियों के आतंक से थोड़ा परेशान है और किसानों को भी नुकसान, खेतों में नुकसान हुआ है। अभी फसल कटने का समय आया था परंतु उनके आने से लोगों में भी एक डर बैठा हुआ है। अपने जन हानि बहुत बड़ी डर है कि लोगों को जो भी है खेतों में फसल नुकसान हुआ वो तो ठीक है, पर जनता जन नुकसान नहीं होना चाहिए। ये हम लोग की भी कोशिश है, हमारे फॉरेस्ट विभाग ने भी